आई बॉल का कलर चेक करो, पिंक हो गया मेरी आई बॉल सच्ची में हर्ष। और ये देखो, और तू क्या हंस रहा है, तेरे तेरे दांत ये देखो, अबे पूरा अंदर डाल दिया फेफड़ों में, देखा आराम से। हैप्पी होली, हैप्पी होली, चलो बाबा हैप्पी होली। मैंने कहा माँ माँ ही होती है, माँ से बढ़कर कोई बच्चों की ज्यादा वो नहीं कर सकता, देख रहे चिंता रहती है, चाहे बच्चे कितना भी लड़ ले। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode, straight forward from ghar guys. Happy Holi to everyone, happy Holi mummy. क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम guys। मैं घर पहुंच चुका था, उसके बाद आकर के व्लॉग एडिट करा और घर वालों से इतने दिन बाद मिल रहा था तो हैप्पी होली विश करा था, बट ये चेक करो, ये तो पहचाने नहीं जा रहा कौन है भाई, दस दिन बाद मिल रहा है, ये चेक कर। हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, बहुत महंगी जैकेट है यार, पहले हैप्पी होली। आज से तो मेरी, आज से तो मेरी धर्मपत्नी होता है, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। चेंज कर आ जल्दी, रुक जा, ये तुझे पता है ना, ये जैकेट इसकी, ये जैकेट कलमिंग की है गाइस, बहुत महंगी जैकेट, अगर इस पे कलर पड़ गया तो फिर चल, तेरा सबमिट कर रहे हैं वैसे, भूत बनाने का तेरा भूत बनेगा। एंड गाइस देयर इज पापा, पापा होली नहीं खेल रहे हर्ष के साथ, अंकल जी तो नहा लिए फ्रेश हो गए। अरे हम साल भर से ना नहाए तो ऐसे ही दिखते हैं। हैप्पी होली, मिट्टी से खेलो होली। आज भाई हर्ष के थोड़ा मिट्टी वाले, हाँ पापा मिट्टी लगाओ उसके, ये देखो ये देखो, देश की मिट्टी। हैप्पी होली, ये तो दिखेगी भी नहीं। हैप्पी होली नहीं, नहीं दिखेगी, आप रुक जा बेटा, तूने क्या लगा रहे हो पापा, आप कीचड़, पापा क्या लगा के रहे हो, मिट्टी लग चुकी है इन लोगों के, बट विशिंग यू आर वेरी हैप्पी होली गाइस। होली होली मनाता नहीं हुई, स्किन केयर ये बजाक कर रहे गाइस, हम लोग पूरे होली वाले लॉन्ड है, घर से होली सुसुआ कर चुके हैं। ये ले हर्ष, कचरी खाएगा, तूने अपने घर से तो खिलानी नहीं है। सही बोल रहा है ना, खा ले गुजिया भी, खा ले एक ही खाइए, उसके बाद मेरे घर भी दो, मैं तेरे घर भी और आपने मेरे को एकदम तेल तेल देख रहे होंगे अभी, क्योंकि मम्मी ने एक आइडिया दिया कि सरसों का नारियल का तेल, नारियल का तेल लगा के जा, मम्मी बालों में भी लगा दो थोड़ा सा, क्योंकि बाल से ना कलर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एकदम लपेट दो मम्मी की, भयंकर कोई आपके लड़के पे ना वो ना लगा पाए, देख भाई रंग लगाना जा रहा छूटेगा तो नहीं, बस बालों पे ना मम्मी ऐसे कर दो कि भयंकर कलर ना अंदर ना लगे, नहीं तो यार निकलता नहीं, पहले जो कलर आते थे वो केमिकल फ्री रहते थे, अभी जो कलर है उनका कुछ पता नहीं, भयंकर एक होता है ना वो भयंकर बरगंडी कलर, वो नहीं छूटता, हाँ बड़ा तो पता नहीं क्या केमिकल मिला, बट कम से कम ये तो नेचुरल ऑयल है जो आप लगा रहे हो, ये गाइस नारियल का तेल लग रहा है, ताकि बढ़िया, और सरसों का तेल से बढ़िया कोई चीज नहीं है, सरसों का तेल मेन बात है, ताकि नो शाम को आकर के कलर आराम से छूट जाए, तब तक मैं गीजर में पानी गर्म करके रखूं, मस्त मस्त। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं हर्ष के घर, हर्ष के घर खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बना रखा है, मैं जाऊंगा, आ जाऊंगा, अभी खाना घर में आके खाऊंगा फिर, ठीक है, पहले होली खेल करके आता हूँ, कलम भी आया था, कलम भी होली खेलने जा रहा है, मैं भी जाता हूँ, मैंने कहा माँ माँ ही होती है, माँ से बढ़ के कोई बच्चों की ज्यादा वो नहीं कर सकता, देख रेख चिंता रहती है, चाहे बच्चे कितना भी लड़ ले, अरे आपसे नहीं लड़ूंगा, किससे लड़ूंगा बताओ, चाहे कितना भी लड़ ले पर ठीक हो जाएगा, मेरी माँ सब ठीक हो जाएगा, ये भी तेरा भी ठीक हो जाएगा सब, ये तो पकड़ो मम्मी, एक सेकंड ये पकड़ो, एक सेकंड ये पकड़ो, ये कैमरा पकड़ो, हाँ बोलो, इसके क्या कर रहा, मार रहा है अभी मेरा नाम मरिया मजाक, अरे हैप्पी होली, हैप्पी होली मम्मी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, फुल पावर सीन्स मचने वाले आज, हैप्पी होली, हैप्पी होली पापा, पापा के वॉर इज ऑन आप तो मम्मी ऐसे लगा रहे थे तो मारने जाने होंगे। हैप्पी होली, हैप्पी होली, पानी मार डाल पापा, या हैप्पी होली, हैप्पी होली, ये लो पापा हैप्पी होली,
छोड़ के भाग जाओ इसे, नहीं तो हम पे डलेगा गाइस, लेट्स गो। ओके गाइस, पहुंच चुके हम लोग अपने पहले शिकार के लिए। आज सुबह ही पहले रूम नंबर 1 में जा रहे हैं, रूम नंबर 3 में आज सुबह ऋतिक और सतीश जी पहुंचे थे। ओ ग्लास ग्लास कहां टूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बर्गर लग रहा है पहले से होली खेल रहे हैं। यार गीला कहाँ है यार, गीला करना है, इसे पहले गीला लिखे आ। मेरे पास तो डालने का नहीं थी। कोई बच्चा उधर बच्चा। करेक्ट जाएगा, करेक्ट। वो कहाँ? उधर वो है तार, ये हिल जाएगी भाई उधर। ची मुंह में भर रही है। रुक जा थूक ले पहले। दे एक्टिंग कर रहा हूँ अभी, देखो चला गया तो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग देख दे जान। रुक जा रुक जा रुक जा, अभी नहीं, मत डालो मत डालो मत डालो। देखा होली में पता नहीं चलता फिर इंसान एक्टिंग कर रहा है क्या कर रहा है। पानी पिएगा क्लास में, वो कलर ना गले में भी चला गया। अबे पूरा अंदर डाल दिया फेफड़ों में, देखा आराम से। ए सतीश जी को देख, सतीश जी, सतीश जी, हैप्पी होली। काला कलर दिखा, वैसे क्रिस क्रिस लगा रहा, क्रिस क्रिस लगा रहा, क्रिस गाइस। आपने शक्ल के कलर होते हुए तो चेंज होते हुए, मेरा आई बॉल का कलर चेक करो, पिंक हो गया मेरी आई सच्ची में हर्ष। और ये देखो, और तू क्या हंस रहा है, तेरे तेरे दांत पिंक हो रखे हैं, तेरे दांत पिंक होने कर रहे हैं ये भाई। और ये मूवी रॉयल है, देखो सती जी मेरे काते ये चेहरा। आप तो मुझे ऐसा लग रहा हो बांग्लादेश से बात कर रहे हो। और ये देखो गाइस, ओके गाइस, होली खेल करके फाइनली आ चुके हैं हम लोग घर। इतनी भयंकर होली खेली है ना गाइस, ये चेक करो हाथ के हाल क्या हो चुके हैं, भयंकर शक्ल के हालात क्या हो चुके हैं। वो तो शुक्र है पूरा कलर निकाल दिया था, मम्मी ने तेल लगा के भेजा था, बट ये चेक करो यहाँ पर। जूलो आपने भी होली खेली, मम्मी से ना खाना खिला रही है, क्या क्या खिला है। और ये चेक करो, बच्चे हमारे घर में इतने सारे बच्चे हो रखे हैं। गुजिया भी खाई आपने, क्या क्या खाई। अबे मैं थोड़ा सा प्यार तो कर लूं अपनी मम्मी को, कर दो रही प्यार पीछे से। मम्मी मेरी बात सुनो, जूलू भी इतना प्यारी बच्ची है हमारी, जूलू इतनी प्यारी बच्ची, खतरनाक बच्ची है वो, आदरे लगा देती। फिनिश कर दिया, को
मैं बीती ओ चुन्नू जी बीती खा दिया था हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. इतने होली खेली ना, इतनी होली. मम्मी आपने खेली होली आज? आपने तो पापा के साथ खेली थी. तेरे साथ नहीं खेली. हम लोगों ने ना पता है क्या क्या, ग्रीस, मोबिल ऑयल, पता नहीं क्या क्या, एक पता नहीं कौन सा कलर था वो, जो जो जब औरत की शादी होती है ना उसके पैरों में जो लगाते हैं वो लपोत दिया. सतीश जी तो पता नहीं, सतीश जी तो पूरे काले कर दिए. इतना भयंकर होली खेली ना, काशक चलते आपको इतना मजा आता. हर्ष की मम्मी को पूरा पानी से भिगा दिया. पापा क्या मजे करे गाइज आज हम लोगों ने. फिलहाल के लिए गाइज इतने दिन बाद घर पर पहुंचे तो अच्छा सा लग रहा है. एंड हमारा घर पूरा पूरा बन चुका है. ये चेक करो पापा का रूम, चेक करो पापा ये क्या मस्त रूम बना दिया आपने. बट पूरे तो काम आता ही हुआ है. बट टाइल क्यों लगा दी पूरे घर में? टाइल क्यों लगाई, आप पुताई नहीं करनी पड़ेगी ना. ये स्लीपिंग बैग में क्यों सो रहे हो पापा? ये आपका स्लीपिंग बैग कैसे हो रखा है? झंझट हो गया खत्म. लेकिन अभी 2 महीने का काम और है. अब क्या करा रहे हो? पेंट गाइस अभी पता नहीं क्या करा रहे पापा 2 महीने में. अब और क्या कर रहे हैं? दरवाजे में क्या करना है बताओ? पेंट नहीं करना. क्यों? मुझसे पूछो जब भी मैं घर आता था हमेशा धूल ही धूल मिलती थी. मैंने कहा यार धूल धूल क्यों हो रही है इतनी ज्यादा घर में? देख देख के धूल की आराम कर करके हमारी रेड़ मरी है ना, हम ही जानते हो. आई नो. फाइनली गाइस घर का काम हुआ. मेरे को इतने दिन से मैं बाहर था. अभी भी टाइम है क्या? अभी ऊपर देखो, हाँ ऊपर अभी 2 महीने का काम और है. ठीक है, हो ही जाएगा गाइस. बट मैं इतने दिन बाद घर पहुंचा था तो अच्छा सा लग रहा था. एंड द थिंग इज कल फिर से निकल जाएंगे मम्मी बॉम्बे. बट बॉम्बे से पहले मैं एक बारी मंदिर होकर के आऊंगा, धारी देवी जी के. मेरा था कि मैं धारी देवी जी के टेंपल होकर के आऊंगा क्योंकि हमारी गाड़ी आ रही है. अब तो बॉम्बे ट्रिप जाना बनता है. अभी हम लोग बॉम्बे निकलने वाले हैं MK4 लेने के लिए. लैम्बोर्गिनी तो अभी तक सॉर्ट नहीं हुई है. हम सोच रहे थे निकल जाएगी बट आज होली थी गाइस तो आज भी कुछ काम नहीं हुआ. आई होप सुलझ रहा है. डॉक्यूमेंटेशन पूरे हमारे, बाकी आज कल में छुट्टी थी तो फिर नीवा. बाकी आई होप फॉर द बेस्ट गाइस कल निकल जाए. फिलहाल के लिए इतने दिन बाद मम्मी के पराठे आर वेटिंग. पराठे बनाए आपने? ना सच्ची में? तूने मना नहीं करा, तूने कहा पेट भर गया. देख लो गाइस खातिरदारी नहीं करती. जब भी मैं घर आता हूँ इनके लिए तो करता हूँ. मैं इतनी सारी चीजें लेकर क्या क्या मैं आ तो गया आपके लिए. मैं उससे ज्यादा क्या चाहिए, मतलब मैं आ गया इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा? कुछ चाहिएगा आपको? हम सब लाते हैं सामान. इन्हें कोई नहीं है, घूम फिरने मस्त हो रखे अपनी लाइफ में. टेंशन हमारी होती क्या? हमने मट्ठा पिया भी? मैं आता हूं मट्ठा पी. बाबा लाए भी? मैं जब भी लेने जाता हूं मट्ठा होती नहीं वहां पर, तो मैं क्या ही करूं गाइस. मैं अपने एंड से फुल ट्राई करता हूं, मिलती नहीं. अभी देखो साफ सीधी बात है, अभी इन पे कोई बोझ नहीं है. इन पे अपना काम का प्रेशर है, बाकी घर की टेंशन नहीं है इनको. रिटायरमेंट ले लो पापा. अब तो मैं तो बोल रहा हूँ पापा को बोलिए रिटायरमेंट ले लो. अभी खा भी नहीं रोटी, तो रोटी भी नहीं मिल रही. दादाजी की जमीन है बहुत है गाइस. ना जी नहीं है भैया, नहीं है. एक मकान है बस और कुछ नहीं है हमारे पास. होता सबके पास से छुपा के सब रखते हैं गाइस. बट गाइस घर में था तो बहुत अच्छा लगा इतने दिन बाद. एंड आई थिंक इस मम्मी ने दूध भी बना रखा है. ये दूध पी करके मस्त तो सुझाऊंगा. कलर पता नहीं कब निकलने वाले मम्मी है कल से. तो फिर बॉम्बे ट्रिप क्योंकि MK4 पहुंच चुकी है बॉम्बे. बॉम्बे लेने जा रहे हैं अपनी रटाटा को लेने जाऊं. दूध पीते गाइस और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. थक चुका हूं, विल स्लीप. गुड नाइट.